भीषण गर्मी के 9 दिन का नौतपा 25 मई से प्रारंभ होने जा रहा है और यह 2 जून तक रहेगा। आखिर यह नौतपा होता क्या है और इसका क्या महत्व है? नौतपा में हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल किस प्रकार रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम सभी जानते हैं कि जेठ का महीना प्रारंभ हो चुका है। जेठ के महीने के दूसरे दिन से सूर्य देव कृतिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन तक रहते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जब ये प्रवेश करते हैं तब से लेकर 9 दिन का जो ये समय है ये नौतपा कहलाता है। इस समय अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत धरती पर पड़ती हैं और सूर्य और धरती के बीच की जो दूरी है वो भी कम हो जाती है और यही कारण है कि नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है। अगर महत्व की बात की जाए तो ऐसी मान्यता है कि अगर नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है यानी धरती अगर बहुत तपती है तो उतनी ही अधिक वर्षा का योग बनता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब धरती तपती है तो जो समुद्र हैं, नदियां हैं, उनका जो पानी है वो वाष्प बनकर बादल का रूप लेता है और फिर बहुत ही अच्छी वर्षा के योग बनते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात कि इस भीषण गर्मी में या प्रचंड गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का किस प्रकार से ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि जो भी जरूरी काम है उन्हें सुबह 9 बजे से पहले या शाम को 5 बजे बाद ही करें, यानी गर्मी में कोशिश करें कि बाहर ना निकलें। और स्पेशली जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग तो स्पेशली बिल्कुल भी इस मौसम में या इस तेज गर्मी में बाहर ना निकलें। जिन लोगों को गर्मी में बाहर निकलना अनिवार्य है, जो कामकाजी लोग हैं जो कि गर्मी की वजह से काम नहीं रोक सकते हैं, उन्हें काम के लिए निकलना ही पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में अगर टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो अपना सर को ढक कर रखें, पूरे कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने और ढीले कपड़े पहने, जिससे कि गर्मी का पूरी तरीके से बचाव हो सके। गर्मी में पानी का जो है बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि समय समय पर पानी पीते रहें, वाटर इनटेक बहुत जरूरी है, और कोशिश करें कि फ्रिज की जगह मटके के पानी का सेवन करें, वो अत्यंत लाभकारी होगा। इसके अलावा जो भी ठंडी चीज़ें हैं उनका सेवन करें, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अपन शिकंजी पिए, बील का जूस पिए, सत्तू बहुत ही इफ़ेक्टिव है सर्दियों, ये गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है। इसके अलावा एक गोंद कतीरा आता है, इसे भिगोकर जो भिगोते हैं तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में फूल जाता है, तो इसका सेवन भी बहुत लाभकारी है। इसके अलावा पुदीने का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ही लाभकारी होता है। तरबूज खाएं, ठंडक देता है और पानी शरीर में पानी की मात्रा को भी बैलेंस करता है। इसके अलावा छाछ, दही, राबड़ी, इनका सेवन अत्यंत लाभकारी है, गर्मियों में ये बहुत ही यूजफुल है। नींबू का सेवन बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें तला भुना और स्पाइसी फूड अवॉइड करें और बाज़ार के फूड को भी जितना अवॉइड करें उतना ही अच्छा रहेगा। बाज़ार के पेय पदार्थों को भी अवॉइड करें, कोशिश करें जो घर पे बना हुआ पेय पदार्थ है वो ही इस्तेमाल करें, घर की बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर का फूड कितना हाइजीनिक है वी डोंट नो। तो इसलिए ध्यान रखें कि इन दिनों में घर का खाना ही खाएं। गर्मियों में हम सभी एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एसी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि एसी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से कम बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जब हम एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिनिमम रखते हैं, अगर 20 से भी कम रखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि हम पूरे टाइम एसी में ही रह रहे हैं,
हमें बाहर भी निकलना पड़ता है। और आप सोच सकते हैं कि बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास है इन दिनों में, और एसी में टेम्परेचर हम 20 डिग्री से कम रख रहे हैं, तो तापमान का कितना अंतर है, ऑलमोस्ट 25 डिग्री का अंतर तापमान में आ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर ना रखें, टेम्परेचर 20 से अधिक ही हो, 21, 22, 23 ये इस तरीके का टेम्परेचर रहे, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके बाद भी रहता है, आई एग्री, लेकिन अगर बहुत कम टेम्परेचर 15-16 टेम्परेचर रखें तो नेचुरली और भी ज़्यादा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हो जाता है। जब हम एसी में बहुत ही लंबे समय के लिए बैठते हैं तो जो हमारे बॉडी में जो स्वेटिंग जो मैकेनिज्म है वो कम होने लगती है, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हाइड्रेशन की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन सडनली अगर हम एसी से बाहर आते हैं और टेम्परेचर का जो इतना डिफरेंस है ऑलमोस्ट 25 डिग्री का, 20 से 25 डिग्री का अगर डिफरेंस होता है, तो हमारी बॉडी इसको अडेप्ट नहीं कर पाती, इतनी जल्दी हमारी बॉडी इसको सहन नहीं कर पाती है, और ऐसी स्थिति में हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन होने के बहुत चांस। कई बार स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि पेशेंट को हीट हाइपरप्रेक्सिया भी हो सकता है, और इट कैन लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एकदम गर्मी से एकदम ठंडे का सेवन करना, गर्मी से एकदम आते हैं एकदम ठंडा पानी पीते हैं तो कई बार तबीयत खराब हो जाती है। तो प्लीज़ हमेशा याद रखिए कि जब आप एसी से बाहर निकलें तो कोशिश करें कि पहले नॉर्मल टेम्परेचर में निकलें और फिर आप बहुत ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर है उसमें एक्सपोज हों, एकदम डायरेक्टली एसी से डायरेक्ट हाई टेम्परेचर में ना जाएं, क्योंकि इतने जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो हमारी बॉडी सहन नहीं कर पाती है, और इसी वजह से जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ रिमेम्बर कि कई बार इस तरह की जो कंडीशंस हैं ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ के लिए फेटल भी हो सकती है। तो इस प्रचंड गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।